दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज जिनकी शुरुआत करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप लिमिटेड लेबर्स के साथ और छोटी सी स्पेस में भी इन बिजनेस को कर पाओगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इन 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, वो 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज क्या है जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों, मैं आपको 10 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडियाज बताऊं, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप शेयर मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, और अगर आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना होगा और उसके बाद में आप अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट देख लेते हैं वो 10 बिजनेस आइडियाज। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है एल्यूमिनियम फॉइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे एल्यूमिनियम फॉइल एक ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल फूड को पैक करने के लिए किया जाता है। इससे क्या होता है, जो फूड होता है उसकी ताजगी बनी रहती है, नमी भी बनी रहती है, और साथ ही साथ उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं लगता है। इसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट में होता है, ढाबों में होता है, कैंटीन में होता है, कैफे में होता है, और घरों में भी होता है। दोस्तों, स्कूल और ऑफिस में जाने वालों के लिए जो टिफिन पैक किया जाता है उसमें भी एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल कमर्शियली भी होता है और साथ ही साथ घरों के लिए भी होता है। तो आप इसको बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1.5 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में इसको शुरू कर सकते हैं, और इसकी जो मशीन होती है वो लगभग 80,000 रुपए में आ जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मशीन होती है वो सिंगल फेज पे भी आती है, तो आप इसकी मशीन खरीद कर अपने घर पे ही सेटअप कर सकते हैं और वहां से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर मैं लेबर की बात करूं तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा लेबर्स को हायर करने की जरूरत नहीं होगी, आप 1 या 2 लेबर के साथ ही इस बिजनेस को कर पाएंगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है कपड़े के थैले बनाकर बेचने का बिजनेस। दोस्तों, आजकल लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो चुके हैं, वो ये समझ चुके हैं कि प्लास्टिक की थैली से हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा नुकसान होता है। इसी की वजह से पिछले 1-1.5 साल के अंदर जो भी प्लास्टिक के बैग होते थे उनको कपड़े के बैग ने रिप्लेस कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट में भी आजकल कपड़े का बैग यूज किया जाता है, इसके अलावा मिठाई की दुकान में, केक की दुकान में, जनरल स्टोर में, हर दुकानों में आजकल कपड़े का बैग ही इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, कपड़े का बैग बनाकर बेचने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होगी, आप लगभग 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको इनिशियली क्या करना होगा, एक सिलाई मशीन खरीदनी होगी जिससे कपड़े का बैग बनाया जा सके। इसके साथ साथ आपको कपड़ा खरीदना होगा और उसके बाद में उस सिलाई मशीन को आप अपने घर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कपड़े का बैग बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 2 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो कपड़े का बैग बनाएगा और दूसरा एज अ हेल्पर काम करेगा, वो आपको मार्केटिंग एक्टिविटी में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो कपड़े का बैग बना रहा है उसको भी हेल्प करेगा और पैकिंग का काम करेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 ही एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों, आप ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है कार्टन बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, आपने इस तरीके के बॉक्स जरूर देखे होंगे, इनका इस्तेमाल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बिजनेस के लिए किया जाता है। लेकिन जब से ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूम करती जा रही है, इनकी डिमांड भी मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के एड्रेस तक भेजने के लिए कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, जब तक इस धरती पर बिजनेस होते रहेंगे इनकी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको थोड़े से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। वो इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच में, क्योंकि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 4 से 5 मशीन भी खरीदनी पड़ेगी, जैसे कि कार्डबोर्ड कटिंग मशीन, एजिंग मशीन, प्रिंटिंग मशीन और पेस्टिंग मशीन। तो आपको ये मशीन्स की जरूरत पड़ेगी और इनको रखने के लिए आपके पास कम से कम 1500 से लेकर 2000 स्क्वायर फुट जगह की भी जरूरत होने वाली है। और दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 8 से 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप इस बिजनेस को भी कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चौथा बिजनेस आइडिया है नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, आप खुद जानते होंगे नूडल्स एक ऐसी चीज है जो बच्चों को और यंग जनरेशन के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। जहां कहीं भी पार्टी होती है नूडल्स तो होती ही होती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप महीने का आसानी से 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हैं।
वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास 3 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास 3 लाख रुपए हैं, तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यह आपको मिल जाएगी 2 लाख रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है 100 kg पर डे की। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, तो आप फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं। वो आपको मिल जाएगी लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए के आसपास, और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है रोजाना की 200 किलो की। और दोस्तों, अगर मैं स्पेस की बात करूं, तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 500 से लेकर 600 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, और साथ ही साथ 3-phase इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी होना चाहिए। और अगर एम्प्लॉयज की बात करें, तो आपके पास कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉयज तो होने ही चाहिए। पांचवा बिजनेस आइडिया है सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में जितनी डिमांड है, उतनी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब तक कोरोना वायरस है, तब तक तो इसकी डिमांड रहेगी, लेकिन एक बार वायरस के चले जाने के बाद में डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या इस बिजनेस को करना सही होगा? देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन मिल जाने के बाद हम लोग सेफ हो जाएंगे, लेकिन वायरस कहीं भी नहीं जाने वाला, वो हमारे आसपास में ही रहने वाला है। तो जो भी हम मास्क यूज करते हैं, सैनिटाइजर यूज करते हैं, वो तो हमको यूज करने ही पड़ेंगे। तो इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में रहने वाली ही है। तो आप इस बिजनेस को चाहें तो कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपये है, तो इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। और एक बार आपको इस बिजनेस में अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगे, तो उसके बाद में आप बड़ा सेटअप भी डाल सकते हैं, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत होती है, वो भी ले सकते हैं। सैनिटाइजर बनाने के लिए आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, बैक्टीरिया प्रिवेंशन लिक्विड, ग्लिसरीन, एलोवेरा जेल और कुछ एसेंशियल ऑयल्स की। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है, आप वहां से खरीद सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में आप लोग के लिए वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, अगर ये बिजनेस आप बहुत ही छोटे लेवल पे शुरू करते हैं, तो आप 1 से 2 एम्प्लॉयज के साथ शुरू कर सकते हैं, और जब आपका बिजनेस थोड़े से बड़े लेवल पे हो जाए, तो आपको ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। छठा बिजनेस आइडिया है टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबके पास मोबाइल होता है, और मोबाइल की स्क्रीन को बचाने के लिए टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल जो महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, उनके पीछे जो कैमरा होते हैं, उनके ऊपर भी टेम्पर्ड ग्लास लगता है। तो इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। अब दोस्तों, इसकी डिमांड हमेशा मार्केट में क्यों बनी रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टेम्पर्ड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल की स्क्रीन को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही पहली बार मोबाइल नीचे गिरता है, सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास ही टूटता है, और जब ये टूटता है तो स्क्रीन अच्छी नहीं दिखती, तो इसको रिप्लेस करना पड़ता है। इसलिए हमेशा इसकी डिमांड मार्केट में बनी रहती है। तो अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे स्टार्ट करने के लिए आपको टेम्पर्ड ग्लास मेकिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी, और कुछ रॉ मटेरियल्स भी खरीदने पड़ेंगे। और अगर मैं लेबर्स की बात करूं, तो 2 से 3 ट्रेन लेबर की जरूरत आपको पड़ने वाली है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। सातवां बिजनेस आइडिया है अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों, जब तक धरती पे लोग पूजा करते रहेंगे, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आप खुद जानते होंगे, अगरबत्ती का इस्तेमाल घर में किया जाता है, ऑफिस में किया जाता है, मंदिर में किया जाता है, हॉस्पिटल में किया जाता है, जहां जहां पे लोग पूजा करते हैं, वहां वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। तो आप अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अगरबत्ती मेकिंग मशीन खरीदनी पड़ती है, और ये मशीन आपको मार्केट में मिल जाती है लगभग 30 हज़ार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच में। तो मशीन जितनी महंगी होती है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। और अगरबत्ती बनाने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल भी खरीदने पड़ते हैं, जैसे कि आपको बना बनाया प्रीमिक्स पाउडर मिल जाता है, परफ्यूम आपको खरीदना पड़ेगा, अगरबत्ती का जो स्टिक आता है वो आपको खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें खरीद कर आप अगरबत्ती बना सकते हैं और अपने आसपास में बेच सकते हैं। और अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको लगभग 1 से 2 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने वाली है। एक एम्प्लॉय ऐसा होगा जो पैकिंग का काम करेगा, और दोस्तों, मार्केटिंग का काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगरबत्ती मेकिंग मशीन जो आती है, वो सिंगल फेज पे चलने वाली भी आती है। तो अगर आप चाहें तो अपने घर से भी इसको शुरू कर सकते हैं, या फिर 200 से 250 स्क्वायर फुट की जगह लेकर इस बिजनेस को किया जा सकता है। आठवां बिजनेस आइडिया है आटा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, आप खुद जानते होंगे, आटा एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, और जहां कहीं भी खाने पीने का सामान बनता है, वहां पर भी आटे का इस्तेमाल होता है। तो आप इस बिजनेस को अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा कम है, तो आप आटा पीसने की मशीन ला सकते हैं, और अपने आसपास के एरिया को फ्रेश आटा पीस कर सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास बजट का कोई इश्यू नहीं है, तो आप बड़े लेवल पे इस बिजनेस को कर सकते हैं, और जो 5 किलो और 10 किलो की पैकिंग वाला आटा आता है, वैसा आटा बनाकर अपने ब्रांड के नाम से भी बेच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस को आप कम से कम में शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जरूरत होगी 50 हज़ार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को आप आसानी से 150 से लेकर 200 स्क्वायर फुट के एरिया में रन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला आदमी अनाज को पीसने का काम करेगा, और दूसरा आदमी पैकिंग करके डिलीवरी भी करके आएगा। दोस्तों, 1 किलो अनाज पीसने का प्राइस होता है मिनिमम 5 रुपया। अगर आप दिन के अंदर 500 किलो अनाज भी पीसते हैं,
तो आपका रेवेन्यू हो जाएगा 2,500 रुपए का। तो आप अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस बिजनेस के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। नवा बिजनेस आइडिया है पेपर प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, हमारे देश में रोजाना किसी ना किसी का बर्थडे होता है, कहीं ना कहीं पार्टी चलती रहती है, कोई ना कोई फंक्शन आते रहता है। तो जहां कहीं भी पार्टी सेलिब्रेट की जाती है वहां पर पेपर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि मार्केट में इसकी कितनी ज्यादा डिमांड होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो ये बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका लगभग इन्वेस्टमेंट जाने वाला है 2-3 लाख रुपए का। अगर आप ऑटोमेटिक मशीन खरीदते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए के बीच में। अगर आप मैनुअल मशीन खरीदते हैं तो वो आपको मिल जाएगी 25,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों, आपको रॉ मटेरियल भी खरीदना होगा, जैसे कि आपको पेपर खरीदना होगा और सिल्वर फॉइल खरीदनी होगी। तो दोस्तों, इस बिजनेस को भी किया जा सकता है। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको जरूरत होगी 200 से लेकर 250 स्क्वायर फुट जगह की, और 1 से 2 आदमी के साथ इस बिजनेस को आसानी से किया जा सकता है। 10वां और आखिरी बिजनेस आइडिया है बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। देखिए दोस्तों, हमारा काम कितना भी कंप्यूटराइज क्यों ना हो गया हो, लेकिन किसी भी चीज को नोट करने के लिए आज भी पेन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज में तो पेन का इस्तेमाल होता ही है। तो अगर आप चाहें तो इस बिजनेस को भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। बॉल पेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 तरह की मशीन आती है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो आप जैसी मशीन खरीदना चाहें वैसी मशीन आप खरीद सकते हैं और इस काम को शुरू कर सकते हैं। रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो आपको अलग अलग प्रकार की इंक खरीदनी होगी, प्लास्टिक के पाइप खरीदने होंगे, नोक खरीदनी होगी। तो ये सारी चीजें आप खरीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत बड़े स्पेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 300 से लेकर 400 स्क्वायर फुट के जगह में इस काम को कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इन 10 बिजनेस आइडियाज में से अगर किसी भी बिजनेस के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दिया है। तो आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपने लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।